हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नया वीडियो लेके। ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, मेरे कोई भी वीडियोस अनबॉक्सिंग वीडियोस नहीं है। ये वो इक्विपमेंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी काम के लगे। इन्वेस्टमेंट इनमें करना मुझे अच्छा लगा और अभी भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है कोई भी फोटोग्राफर के लिए। मैं फ्लैश बेस्ड सेटअप यूज़ करता हूँ, मोस्टली गोडॉक्स का। अभी मैं ये वाला फ्लैश यूज़ करता हूँ जो आपको V1 Pro बोलते हैं, राउंड हेड है। इसके लिए स्पेसिफिकली ये किट बना हुआ है, ये करीब 3,000 का आता था। अभी पता नहीं कैसा प्राइस है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी क्या है कि मुझे चाहिए था कि मैं कुछ मॉडिफायर यूज़ कर सकूँ जो मेरे एक बैग में आ जाए। अब जब मैं निकलूँगा, एक फ्लैश एक सेटअप लूँगा, बाहर जाऊँगा शूट करूँगा वापस आ जाऊँगा, तो इसीलिए मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अभी मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ इसमें एक्चुअली क्या क्या मिलता है। अगर देखें तो ये जो ये है पहले जो लाइट बाउंस करने के लिए, ये जो कार्ड होता है और इसके साथ एक सेटअप है यहाँ पे, तो इसके साथ आप लाइट को बाउंस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक अटैचमेंट है जो यहाँ पे लगेगा, राइट। और ये आप इससे पहले आप एक बार देख लेना कि मैग्नेटिक वाला साइड कौन सा है। गोडॉक्स का सारा ये सेटअप पूरा मैग्नेटिक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप एक के ऊपर एक एक सेटअप लगा सकते हो। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप अगर इसको लेके ऐसे करके आपने इसको प्रेस कर दिया, देखो मैंने इसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेट हो गया। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड भी नहीं लगा और आई एम रेडी टू शूट, राइट। अब मैं बाहर जाके ये लाइट लगा के मैं शूट कर सकता हूँ, मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ या अगर मैं कोई वाइल्ड लाइफ शूट कर रहा हूँ, मतलब मैक्रो शूट कर रहा हूँ, तो ये लाइट वो प्लांट के हिसाब से या कोई इंसेक्ट के ऊपर पूरा लाइट वैसे करके आ सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत छोटा भी है, राइट। अगला जो किट के बारे में बात करूँगा वो है ये जो ये एक्चुअली यूज होता है। देखो यहाँ पे कोने में कुछ रिवेट्स दिए हुए, राइट। तो इसमें क्या होता है कि गोडॉक्स ने कुछ जेल्स प्रोवाइड किए हैं, तो कभी कभी आपको थोड़ा वार्म टोन चाहिए होता है, तो वार्म टोन चाहिए होता है, ऐसे अलग अलग कलर्स के जेल्स हैं। तो इसको बस इधर से बिठा देने का है, इधर आपने वो जेल लगा दिया और इसको ऐसे किया और ये लग गया। अभी आप जब फोटो खींचोगे आपके फोटो सारे थोड़े वार्म टोन में आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे काफ़ी अलग अलग कलर्स के जेल्स दिए हुए हैं, तो जैसे ये और थोड़ा सा डार्क चाहिए, और थोड़ा सा वार्म टोन चाहिए, या आपको थोड़ा लाइटर टोन चाहिए, या आपको थोड़ा वाइटिश टोन चाहिए, तो ये सारे इधर पे जेल्स दिए हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें से वार्म टोन मैंने काफ़ी यूज़ किया है, जनरली वाइट वाला मैं थोड़ा कम ही यूज़ करता है, इसलिए अभी भी पैकेट में पड़ा हुआ है। अभी ये दूसरा वाला जो है ये वाला है आपका डिफ्यूज़ करने के लिए, ये भी आप ऐसे करके लगा सकते हो, बेसिकली लाइट आपका डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये भी एक डिफ्यूज़र है, तो आप ये कर सकते हो कि आपको थोड़ा हल्का लाइट डिफ्यूज़ करना है और अगर आपको काफ़ी डिफ्यूजन करना है तो ये लगा देना। ये लगाने से क्या है कि फेस में सॉफ्ट लाइट पड़ेगा, आपको जो ग्लेयर होता है ना चेहरे पे कि बहुत ज़्यादा लाइट आ गया, वाइट दिख रहा है, हाँ हार्ड दिख रहा है, तो वो नहीं होगा ये अगर आप ये वाला लगाओगे। और इसके अगर आपको थोड़ा सा हार्डनेस भी चाहिए, हल्का फुल्का चाहिए, तो आप इसको लगा दो। अगर आपको इसके साथ आपको जेल भी लगाना है कि चलो मुझे इसके साथ एक वॉर्म भी चाहिए, आप दो लगा लो। कितना इंटरेस्टिंग है ये एक और है, इसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। अब ग्रिड का बात क्या है कि जो डिफ्यूज़र होता है वो लाइट को हर तरफ स्प्रेड करता है, लेकिन ये वाला क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो वैसा शेप दिया हुआ है, राइट। अब लाइट क्या आएगा, लाइट इधर से आएगा और ठीक यही शेप में बाहर जाएगा, मतलब ज़्यादा इधर उधर फैलेगा नहीं। तो अगर आप ऐसे पॉइंट कर रहे हो लाइट, तो इतना ही लाइट आएगा। इसमें लाइट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आप फोकस करके कर सकते हो कि मुझे लाइट एग्जैक्टली किधर पे चाहिए, काफ़ी काम में आता है। आप ग्रिड के साथ खेलना ज़रूर कोशिश करिएगा फोटोग्राफी में। फिर एक और है ये वाला, ये भी आपका लाइट मॉडिफायर है एक, जो आप अपने हिसाब से
लाइट, अगर आप चाहते हो कि एक ही कॉर्नर में लाइट आए, राइट, सो इसको ऐसे करके मैंने लगाया कि मुझे ऊपर नीचे लाइट नहीं जाना चाहिए, फ्लैश का लाइट, या सिर्फ आधा जाना चाहिए, सिर्फ मुझे ऐसे करके दिखा दो, देखो मुझे सिर्फ लाइट इतना सा ही आना चाहिए या इतना सा ही जाना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से इसको फोकस कर सकूँ क्योंकि मुझे कितना लाइट मुझे फ्लैश के अंदर से बाहर जाना चाहिए। और फाइनली ये एक और किट है, इसको बोलते हैं स्नोट। ये मेरा फेवरेट है एक कारण से, क्योंकि मैं थोड़ा सा लो लाइट पसंद करता हूँ, लो लाइट फोटोग्राफी पसंद करता हूँ, सिंगल लाइट फोटोग्राफी पसंद करता हूँ, तो मेरे काफ़ी सारे शॉट्स आप इंस्टाग्राम में देखोगे कि मैंने सिंगल लाइट ही यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है कि मैं एक फ्लैश यूज़ किया, ये लगाया और एक पॉइंट में डाला, तो जैसे कि मुझे किसी को सामने में बिठा रहा हूँ, पीछे में मुझे रेड लाइट चाहिए, तो मैं इसमें एक जेल डालूंगा, फिर इसको लगा दूंगा और फ्लैश करूंगा। फ्लैश जब करूंगा तो पीछे में रेड लाइट आएगा सिर्फ उतना जगह, या मुझे इसको सिर्फ मॉडल के चेहरे के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है तो सिर्फ मॉडल के चेहरे के ऊपर लाइट आएगा और कहीं और लाइट नहीं जाएगा। तो ये है स्नूट का काम। आई होप, तो ये जो गोडा से जो ये किट है ना, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना छोटा है, पोर्टेबल है कि आप कहीं भी जाओ, आपको ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लो, पैकिंग करो और निकल पड़ो अपना फोटोग्राफी करने के लिए। और ये देखो मैंने अभी इसको क्या इजीली मैं इसको पैक कर देता हूँ जैसे मैंने लाया था। इसका एक टेक्निक है, देखो ये वाला करके ऐसे करके नीचे में जाता है, अब इसको बिठा दिया, फिर इसके ऊपर ये सारे डाल दिए, इसको खोल दिया, देखो यहाँ पे है, तो इसको जैसे मैंने ऐसे निकाला था इसको भी वैसे ही खोल देता हूँ इसको। हो गया, निकल गया, ये इधर डाल दिया और इसमें ये जेल्स डाल दिए, डाल के मैंने इसको जिप कर दिया, बस फोटोग्राफर का काम खत्म, बैग पैक, घर वापस चलो, कोई हेडेक नहीं है, दो चीज़ में मेरा काम खत्म। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए, अभी कर दीजिए नहीं तो बाद में, अभी कर दीजिए नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। और अगर आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आप लोग क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हो और आपको और कौन से इक्विपमेंट्स के बारे में जानना है। मैं कभी भी मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि वो स्टार्टिंग होता है, मैं यूज़ करके देखता हूँ कि एक्चुअली ये काम का वीडियो, काम का सामान है या नहीं है, काम में आया कि नहीं आया। सो अगर काम में आता है तो मैं बता दूंगा कि काम में आता है, अगर नहीं तो मैं बोलूंगा कि नहीं आता है। ये गोडास से स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है, अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ, मुझे इसकी अच्छाई बुराई जो भी जैसा है मैं आपको वैसा ही बताऊँगा, किसी को पसंद हो या नहीं हो। सो आई थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।